नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, जल्द ही भारत का इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है, और इसरो जो करेगा वो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज को इसरो के इस कदम से एक बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसी को लेकर न्यूज है कि इसरो जल्द ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने वाला है जिसमें वो स्पेस में रोबोटिक आर्म से ऐसे सैटेलाइट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ लेगा जो बिना वजह स्पेस में घूम रहे हैं। ऐसे सैटेलाइट जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और अब वो वेस्ट है, यानी स्पेस डेब्री है, या और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिना वजह स्पेस में घूम रहा है और एक्टिव सैटेलाइट्स के लिए खतरा है। इसरो अब उन्हें एक रोबोटिक आर्म से पकड़कर अर्थ के एटमॉस्फेयर तक लेकर आएगा, जहां पर वो जल जाएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। इसरो जल्द ही दो महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च करने वाला है, और ये दोनों मिशन इसी साल लॉन्च होंगे। इन मिशंस का एम होगा डॉक, रिफ्यूल, रिपेयर, रिलोकेट, डी ऑर्बिट एंड एक्सटेंड द लाइफ ऑफ सैटेलाइट जो अपने ऑपरेशन लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्राइडे को इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो अगले महीने स्पेडेक्स नाम का मिशन लॉन्च करने वाला है, और ये मिशन टेस्ट करेगा एक लो इम्पैक्ट कोऑपरेटिव डॉकिंग टेक्नोलॉजी को, अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन सैटेलाइट्स। ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये फिलहाल वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्रीज के पास, और वो है US, रशिया और चाइना। भारत ऐसी चौथी कंट्री बनेगा जिसके पास स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी होगी। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी के अंडर किसी भी दो स्पेस क्राफ्ट का प्रिसाइज कनेक्शन किया जाता है स्पेस में, चाहे वो मैन्ड हो या अनमैन्ड, और फिर ये दो स्पेस क्राफ्ट एक साथ मिलकर एज ए सिंगल यूनिट काम करते हैं, और साथ ही परफॉर्म करते हैं क्रिटिकल टास्क जैसे कि रिफ्यूलिंग, रिपेयर ऑफ ओल्ड सैटेलाइट्स, और साथ ही फॉर द क्रू एक्सचेंज। यानी मान लीजिए जब भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और उस पर भारत के एस्ट्रोनॉट्स होंगे, तब क्रू एक्सचेंज के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। इसरो इस टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है स्पेडेक्स मिशन पर जो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। इसमें इसरो 400 किलोग्राम के दो सैटेलाइट यूज करेगा, एक होगा चेजर और एक होगा टारगेट। ये दोनों सैटेलाइट इसरो के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने बनाए हैं। इन्हें एक सिंगल PSLV क्लास व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, और इन्हें डॉक किया जाएगा अर्थ से अराउंड 700 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर। देखिए, भारत कई तरीके के सैटेलाइट छोड़ता है, जैसे कि वो सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं, और एक होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो प्लेस किए जाते हैं अर्थ से अराउंड 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काफी कॉस्टली होते हैं, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है लगभग 8 से 10 साल। ये तब तक काम करते हैं जब तक इनके प्रोपल्शन यूनिट का फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। हालांकि सैटेलाइट के बाकी सब सिस्टम्स तब भी काम करते रहते हैं, लेकिन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू इसरो अब इन सैटेलाइट्स को रिफ्यूल और रिपेयर कर पाएगा, और इनके लाइफ स्पैन को 10 साल से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। डॉकिंग टेक्नोलॉजी के अंडर इसरो इन सैटेलाइट्स का जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसको रिप्लेस कर देगा नई प्रोपल्शन यूनिट के साथ, और फिर ये सैटेलाइट एक बार फिर से काम करने लगेंगे अपना लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद भी। साथ ही इसरो प्लान कर रहा है कि इसरो चंद्रयान 4 के थ्रू चांद के सरफेस से सैंपल लेकर आएगा, और उसके लिए भी ये मिशन बहुत जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी के बाद ही चांद से सैंपल लेकर आना पॉसिबल हो पाएगा। अब बात करते हैं स्पेस डेब्री को क्लीन करने की, यानी स्पेस में जो कचरा है। स्पेस डेब्री कहा जाता है ऐसे ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स को जो फिलहाल स्पेस में तो हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है, और वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं आज, जैसे कि डिसयूज सैटेलाइट, रॉकेट बॉडीज, पार्ट ऑफ स्पेस क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट्स लॉस्ट टूल्स। आज स्पेस डेब्री सभी वैज्ञानिकों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और साथ ही जितने भी सैटेलाइट स्पेस में घूम रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए, उनके लिए एक बड़ा खतरा, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट भी लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं। नवंबर 2022 तक US स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क के अकॉर्डिंग लगभग 25,857 आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में थे, लेकिन साथ ही इसरो एक और मिशन लॉन्च करने वाला है, और इस मिशन का नाम है सर्विसर मिशन। इस मिशन के अंडर इसरो यूज करेगा एक टेदर डेब्रिस कैप्चर टेक्निक, जहां पर एक रोबोटिक आर्म होगी ऑन द अपर स्टेज ऑफ रॉकेट, और ये रोबोटिक आर्म किसी भी मूव करते हुए सैटेलाइट को ग्रैब कर पाएगी, यानी पकड़ पाएगी, और फिर उस सैटेलाइट में जो ऑलरेडी मोशन कर रहा है अपने ऑर्बिट में, इसरो उसकी सर्विस कर पाएगा, उसकी लाइफ एक्सटेंड कर पाएगा, और साथ ही उसका इंस्पेक्शन भी कर पाएगा। यही टेदर स्पेस डेब्रिक टेक्निक काम आएगी स्पेस का कचरा साफ करने में, यानी स्पेस डेब्री को हटाने में। इस टेक्निक के अंदर सैटेलाइट में एक लंबा स्ट्रोंग टेदर लगा होगा। टेदर को आप मान सकते हैं एक रस्सी लगी होगी। ये रस्सी या टेदर किसी भी घूमते हुए डेब्री यानी स्पेस ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लेगा, और फिर सैटेलाइट और उस ऑब्जेक्ट का कंबाइंड मास डी ऑर्बिट किया जाएगा, यानी उसे ऑर्बिट से बाहर निकाला जाएगा, फिर उसको लेकर आ जाएगा अर्थ के एटमोस्फेयर में, और फिर अर्थ के एटमोस्फेयर में वो बर्न हो जाएगा, यानी जल जाएगा। हालांकि देखिए, जितने भी मिशन आपने सुने ये सुनने में काफी सिंपल लगते हैं,
लेकिन इनको अचीव करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क। सबसे पहला चैलेंज है प्रिसाइज टारगेटिंग। किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट को स्पेस में एक्यूरेटली टारगेट करना, उसे पकड़ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और दूसरा जो उनका ऑर्बिट है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। इवन स्पेस में किसी टेदर या मान लीजिए किसी रस्सी को डिप्लॉय करना और उसे कंट्रोल करना, यह अपने आप में उससे भी बड़ा चैलेंज है। इसके लिए चाहिए होती है प्रिसाइज इंजीनियरिंग। सबसे पहले फेज में सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क है और वो होता है किसी भी टेदर को एक्सटेंड करना। इसमें कोई भी इरेगुलरिटी जैसे कि स्नैग या वाइब्रेशन पूरे सिस्टम को अनस्टेबल कर सकता है। साथ ही ये भी जरूरी है कि टेदर में ऑप्टिमल टेंशन रखा जाए। ज्यादा टेंशन होगा तो वो उसे डैमेज करेगा और अगर कम टेंशन होगा तो वो क्रिएट करेगा स्लैक। साथ ही अगर टेदर के जरिए आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ भी लेते हैं तो फिर उसे डीऑर्बिट करना, ये भी काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। भारत का एम है कि 2030 तक इसरो को जीरो डेब्री स्पेस एजेंसी बनना है। यानी हम अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो उससे स्पेस में कोई भी कचरा नहीं होगा। और इसरो चाहता है कि फ्यूचर में जितने भी मिशन हो उनसे स्पेस में कोई भी डेब्री क्रिएट ना हो और जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को उनको कोई खतरा ना रहे। इसी दिशा में इसरो का एक बड़ा कदम है। आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।